आज 15 मार्च है, कल 16 मार्च को किसी भी वक्त भारत में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कल 16 मार्च को कर दी जाएगी। इस बीच आज 15 मार्च को तेलंगाना के लीडर, बीआरएस के लीडर चंद्रशेखर राव की बेटी ये कविता को ईडी ने लीकर मामले में गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाला, जो दिल्ली का शराब घोटाला है उस मामले में, वहीं चुनावी बॉन्ड से जो पैसा हासिल किया गया है उसको लेकर के भारत के अंदर से बवाल मचा हुआ है। और चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो जानकारियां आ रही हैं इस वक्त सामने, उसका अंदाजा था पहले से किसी तरह का खेल है ये। ब्लैक एंड व्हाइट, काला धन की तलाश थी। 10 साल में काला धन नहीं मिला, अब काले धन की परतें खुल रही हैं। काला धन का हुआ क्या, कहाँ पहुंचा, तो बहुत सारी जानकारियां इसको लेकर के आ रही हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना करके डाल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तमाम बातें कही गई। वहीं राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर अपनी बात की, और उन्होंने इसको एक्सट्रॉशन, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सट्रॉशन मनी बताया, कि कारोबारियों को धमका करके सरकार उनसे वसूली करती रही है। वहीं एक खबर और भी है, चुनाव आयोग ने जब से ये अपना डाटा जो एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट के को बता दिया, और उसके बाद फिर चुनाव आयोग के हवाले किया गया, और चुनाव आयोग ने वो डाटा सार्वजनिक कर दिया है, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया उसको। जो जानकारी, एक अहम जानकारी है इसमें, वो बता दें ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोयम्बटूर स्थित फ्यूचर गेमिंग व होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम चुनावी बॉन्ड में सबसे बड़ा दानदाता के रूप में सामने आया है। फ्यूचर गेमिंग की स्थापना 1991 में लॉटरी किंग, ध्यान रखिएगा लॉटरी किंग, सट्टा माफिया, लॉटरी किंग ऑफ इंडिया सेंटिगो मार्टिन ने की थी। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2019 से खरीदे गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के कुल मूल्य का आधा हिस्सा 23 कंपनियों का है। कोयम्बटूर स्थित लॉटरी सेवा फर्म फ्यूचर गेमिंग एवं होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इनमें सबसे टॉप पर है। ईसीआई ने जो सूची प्रकाशित की है उसमें तकरीबन 1300 करोड़ रुपए का के बॉन्ड का विवरण दिया गया है, जिसे लगभग 5 सालों में कंपनियों ने खरीदा। आंकड़ों के विश्लेषण से जानकारी मिलती है कि फ्यूचर गेमिंग, जो सट्टा, जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह कराते हैं, वो सट्टे का कारोबार होता है। गेमिंग और होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, और इस तरह से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा देने वाली यह कंपनी है। तो अभी बहुत सारे खुलासे होंगे, कुछ जानकारियां इस तरह की भी हैं। भारत प्रभात पार्टी है, उसके ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की गई है, उसकी पुष्टि हम सत्यता की नहीं करते हैं, कि पाकिस्तान की फर्म से भी पैसा लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 60 अरब से ज़्यादा पैसा सिर्फ 2019 से 2024 जनवरी तक बीजेपी को हासिल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया, एसबीआई को तब ये जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी, और बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको सार्वजनिक किया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2018 से ही लोगों ने उठाया हुआ था। 2018 से 2024 आते आते
अब ये फैसला आया। इस दौरान 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन भारत के अंदर हुए, जो दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन था वो। साथ ही कई सारे राज्यों के चुनाव हुए, पैसे का इस्तेमाल हुआ, पानी की तरह पैसा बहाया गया, कई सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को गिराया गया, विधायकों की खरीदो फरोख्त हुई, पार्टियों को तोड़ा गया पैसे के जरिए। अगर इस आदेश को आने में इतना वक्त न लगता, तो ये सारे जो चीजें हुई थी वो न होती। कहा यह जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, बस ये समझ लें कि देर से आए या जैसे भी आए आ गए, क्योंकि कुछ फैसले विगत वर्षों में या पिछले वक्त में इस तरह के आए हैं अदालतों से, जिसमें अदालतों की अपनी क्रेडिबिलिटी जो थी, साख, वो खतरे में पड़ गई थी। तो यह जो एक फैसला है, वो उसकी भरपाई कहा जा सकता है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो बाबरी मस्जिद का फैसला हो, पूरी दुनिया में उसको लेकर के चर्चा होती रही, और जब तक दुनिया कायम रहेगी उस पर लोग बात करते रहेंगे। कानून के जानकार, जो बड़े बड़े जानकार थे, वो हैरान थे कि किस तरह का फैसला ये आया है बाबरी मस्जिद वाला। इसी तरह से पेगासस को लेकर के फैसला था, राफेल को लेकर के मामला था, 370 को लेकर के मामला था, CNRC को लेकर के भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। तो CNRC का अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। शुरू शुरू में दो तीन चार सुनवाइयां हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद से क्या स्टेटस है कोई जानकारी नहीं है। अगली सुनवाई कब होगी कोई पता नहीं। देश में CA तो लागू हो चुका है, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा कुछ राज्यों में। वहीं एक और चीज हुई है, एक देश एक चुनाव को लेकर के एक समिति बनाई गई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। राष्ट्रपति के जो भी रिमार्क्स होंगे उसके बाद वो सरकार के पास आएगी, और सरकार फिर उस पर कानून बना सकती है, कैबिनेट के जरिए बना सकती है, पार्लियामेंट के जरिए बना सकती है, एक देश एक चुनाव। तो अगला जो कदम होगा देश के अंदर, CNRC यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बाद, वो एक देश एक चुनाव का होगा, जो कि होगा ही। कल 16 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो 2 महीने पहले शुरू हुई थी, 2 ढाई महीने पहले, वो कल मुकम्मल हो जाएगी और महाराष्ट्र में उसका समापन होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो जानकारी आ रही है, उस पर कल कुछ बड़े खुलासे होने हैं, तो वो चर्चा में आए या उस पर बात हो, इसलिए कल चुनाव आयोग इलेक्शन के कार्यक्रम का ऐलान कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन तो होने ही, कल ऐलान हो या 2 दिन बाद हो या 4 दिन बाद हो, मई तक, मई के लास्ट तक नई सरकार का गठन होना है। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ NDA गठबंधन है। मतदाता चुनाव में वोट डालेंगे, दो नए चुनाव आयुक्त
सरकार ने अपॉइंट कर दिए हैं, वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं, गृह मंत्री के नज़दीकी हैं। तो जो चुनाव होंगे वोट जनता डालेगी उसमें। लेकिन जनता के जो वोट हैं फिर ईवीएम में ही जाएंगे। ईवीएम को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दाखिल की गई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो खारिज कर दी है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है, इसलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ईवीएम को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम ही से होंगे। अब ईवीएम को लेकर के जो बातें कही जाती हैं, तमाम एक्सपर्ट्स ने बताया, तो बड़े बड़े जानकार हैं कि उसमें धांधली हो सकती है, आसानी से हो सकती है। बहुत सारे उन्होंने तरीके बताए, वजह बताई, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिए। तो चुनाव तो ईवीएम से होंगे। आरएसएस का मीडिया, क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया हुआ है, तो आरएसएस के मीडिया ने पोल कराना शुरू कर दिए और उसमें 400 नहीं बल्कि 411 से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी को या एनडीए को वो दे रहे हैं। 553 अगर दे देता है मीडिया, तब भी आप मानिए गनीमत है, कुछ भी कर सकता है ये मीडिया। वोट जब लोग डालेंगे तो उसकी गिनती होगी। चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, वही लोग जीतने वाले को सर्टिफिकेट देते हैं। वोट तो जनता करेगी, जनता परेशान भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और तमाम मुद्दे हैं, किसानों के मसले हैं, महिलाओं के मसले हैं। 81 करोड़ लोग सरकार से मिलने वाले राशन पर जी रहे हैं, 5 किलो का थैला, प्रधानमंत्री का उस पर फोटो लगा होता है 5 किलो के थैले पर। अगर आप अपनी जेब से देते हैं तो आप अपना प्रचार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये तो सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, जो जनता के पास पहुंच जाता है। 5 किलो के थैले पर भी फोटो लगे हुए हैं। एहसान और पहचान दोनों, हम एहसान कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं और हमें याद रखो फोटो भी लगा हुआ है इस पर। विपक्ष जीतेगा कैसे, सवाल ये है। ईवीएम से चुनाव होंगे, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं सिस्टम में, चूंकि जो एक संगठन है देश में कट्टरपंथी, उसके करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ का चुनाव आपको ध्यान होगा, मेयर का चुनाव, पीठासीन अधिकारी ने कैमरे के सामने वोट कैंसिल किए, चोरी पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और फिर दोबारा से उस पर काउंटिंग हुई और बीजेपी जो जीत चुकी थी फिर उसको इस्तीफा देना पड़ा और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार वहां पर मेयर बना। ये पीठासीन अधिकारी जो बैठे होंगे कितने ईमानदार होंगे, किसके वफादार होंगे, क्योंकि जो वफादारियां वो हुकूमतों के साथ हुआ करती हैं, ताकत के साथ होती हैं, पैसे के साथ होती हैं।
जनता तो वोट करेगी, विपक्ष जीतेगा कैसे, सवाल यही है। चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जिसपे दिल करता है कि खुल के बोला जाए, मगर हालात ऐसे हैं जो कहते हैं कि खामोश रहो। आप लोग ख्याल रखें, आज पांचवा रमजान है, आज ही के दिन महान मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, 12 साल की उम्र में वो बादशाह बनाए गए थे। फलस्तीन का मसला चल ही रहा है, दोबारा से बातचीत वहाँ हुई है शुरू, बांग्लादेश ने भी मदद भेजी है, खाने का सामान खुराक वहाँ पहुँचना शुरू हुआ है। कैजुअल्टी मगर मुस्तकिल हो रही हैं। कल रात भी इसराइल ने जो शेलिंग की रफा के इलाके में, उसमें 120 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। जंग जारी है, दुनिया के कई सारे हिस्सों में जंग जारी है। वैसे जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, इसी तरह से दुनिया का निज़ाम भी बदला जाए, कुछ तब्दीलियां आना चाहिए। हजारों साल से एक ही लाइन पे चलते रहना, जैसे मुल्क देश जो सरहदें होती हैं उनके अंदर जो ज़मीन होती है और देश कहलाते हैं। ईसाइयों के दुनिया में बहुत सारे देश हैं, मुसलमानों के 57 से ज़्यादा देश हैं, बौद्धिस्ट के देश हैं, यहूदियों का और ईसाइयों और हिंदुओं का देश नहीं है दुनिया में। तो भारत की सरकार ने सीए लागू किया है, दुनिया भर के तमाम हिंदुओं को, भारत की सरकार को चाहिए कि इनवाइट करे कि तमाम हिंदू भारत में आ जाएं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो जिस धर्म का है उसके लिए पूरा देश एक ही धर्म के लोगों के लिए हो, इस तरह का कुछ होना चाहिए। एक देश में सिर्फ यहूदी यहूदी हो, एक में जैसे भारत है वहाँ अखंड भारत बनाया जाए, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कुछ हिस्सा ईरान का, ये सब अखंड भारत में आता है, तो अखंड भारत बनाया जाए और दुनिया भर के तमाम हिंदुओं को ला करके भारत में बसाया जाए। जो मुसलमान हैं उनको कहा जाए कि तुम जाओ सऊदी अरब या कहीं और, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह। धर्मों के हिसाब से देशों का निर्माण होना चाहिए नए इस 21वीं सदी में। बड़े झगड़े हैं दुनिया में धर्मों के, हर तरफ खून खराबा धर्मों की वजह से है। सीए लागू हो चुका है, एनआरसी लागू होगा, 400 से ज्यादा सीट का ऐलान बीजेपी कर चुकी है, ईवीएम से इलेक्शन होंगे, 543 सीटें भी आ जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। आरएसएस का मीडिया पूरी तरह से चुनाव लड़ा रहा है, कल से आप लोग भी लगे इसी काम में, वोट जरूर करें जिसको आपका दिल चाहे। शुक्रिया आप सभी का।